वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पी मॉमी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आपके घर में भी शायद ये रेगुलरली बनता होगा। ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक है, इसे हम हिंदी में मखाना कहते हैं और इंग्लिश में फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स। मखाना एक बहुत ही यम्मी क्रंची स्नैक है। ये हम इसको तवे में रोस्ट करके बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और अगर आपको चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाते रहें तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मखाना बनाने की रेसिपी। तो आइए हम शुरू करते हैं मखाना बनाने की विधि। सबसे पहले हम लोग गैस ऑन करेंगे और एक बड़ी कढ़ाई लेंगे। मैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, आप जो चाहे वो कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब हम लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी के। मैं ज़्यादातर घी घर पे ही बनाती हूँ, घर पे बनाया हुआ घी यूज़ करती हूँ, पर अगर आपके पास घर का बना हुआ घी नहीं है तो आप बाहर का घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें याद रखिए जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो जब घी हम लोग घी डाल के उसे मेल्ट करने की वेट करते हैं। चलिए मेरा घी पिघल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और फिर मखाना ऐड कर देंगे। मैं ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके घर में ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप पूरा ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो ज़ीरा चबा नहीं पाते हैं, तो मैं इसीलिए ज़ीरा का पाउडर ही यूज़ करती हूँ। ज़ीरा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें ज़्यादातर हमारे इंडियन घरों में तो सभी चीज़ में ज़ीरा पड़ता ही पड़ता है। इसे हल्का हम लोग भून लेंगे। ये याद रखिएगा ये इसे कॉन्स्टेंटली हिलाना पड़ता है, अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये या काला पड़ जाएगा जीरा या जल जाएगा, तो हमें वो अवॉइड करना है। तो बस ये देखिए हल्का सा हो गया है जीरा हिलाना। अब इसमें हम हमारे मखाने ऐड कर लेंगे। मखाने ऐड करते वक्त इसको चलाते रहना है। ये देखिए इस प्रकार से इसे हिलाते रहना है। से जब भी पकाएं याद रखें थोड़ा स्लो मध्यम और कम आंच में पकाएं, तेज आंच में ये जल जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब आएगा। देखिए आप देख सकते हैं नीचे अभी भी थोड़ा घी बचा हुआ है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, सब घी ये सोख लेगा धीरे धीरे करके। इसे कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है हमें। देखिए इसका रंग धीरे धीरे चेंज होने लगेगा जिसमें हमने ज़ीरा डाला है। कई लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, आप अगर चाहें तो जब आपने जीरा ऐड किया तब आप उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चों को हल्दी वाले पसंद नहीं है इसलिए मैं इसमें हल्दी नहीं डालती हूँ। आप इसमें मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे लाल मिर्ची हो गई, अगर आप लाल मिर्ची भी डालना चाहते हैं तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है कम्प्लीटली। बस इसे ऐसे ही इसी स्पीड में हिलाते रहिए, गैस की आंच कभी भी आप तेज़ ना रखें, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये वरना ख़राब हो जाएगा और हमें इतने अच्छे पोषण वाले लोटस सीड्स नहीं ख़राब करने हैं, खाने नहीं ख़राब करने हैं। ये अब देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ गया है, यहाँ थोड़ा सा क्रंचीनेस आ गया है, हाथ से दबा के आप दे सकते हैं, बहुत गर्म है इसमें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब नमक बहुत जन कम ऐड करते हैं, मैं जैसे ठीक ठाक ऐड करती हूँ कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो इसमें नमक आप अपना स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, बट इसमें नमक तेज़ मत रखिएगा क्योंकि फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा नमक डाल के इसे हम और हिला लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि सारा घी जो है इसने सोख कर लिया है, एकदम भी घी नहीं बचा इसमें।
यही इसकी खासियत है। एंड घी में भी बहुत सारे गुण होते हैं, बच्चों को तो हम हमेशा ही घी देते हैं, तो इस हिसाब से ये टेस्टी भी लगता है, तो वो नखरे भी नहीं करते, घी खा लेते हैं चुपचाप से। तो ये तो डेफिनेटली बहुत ही, मैं तो रेकमेंड करूँगी ही करूँगी कि आप ये वाली रेसिपी पक्का बना के अपने बच्चों को खिलाइए। इसे आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं एयरटाइट बॉक्स में, ये लगभग आपका सप्ताह दो सप्ताह तक तो आराम से फ्रेश रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ये मैं हाईली 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 रेकमेंड करूँगी। अगर आपका बच्चा छोटा है, छः सात महीने के बाद से ये बच्चे आराम से खा सकते हैं। अगर इससे भी छोटा है तो आप मखाना को बीच से काट के उसे सेक के, मतलब बिना घी के, जैसे हम लोग इसे रोस्ट कर रहे हैं अभी, इसे रोस्ट करके थोड़ा जब वो ठंडा हो उसे मिक्सर में घुमा के उसकी पाउडर बना के भी बच्चों को दूध में मिला के या उसकी खीर बना के आप दे सकते हैं। मखाने की खीर भी बहुत फेमस है बच्चों में, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो अभी इसे और हम 5 मिनट हिलाएंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। हमारे मखाने बनके तैयार हो गए हैं अब। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मखाना बनाने की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई हो। ये आप कभी भी किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। ये एक बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली स्नैक है, मतलब आप अगर कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप ये स्नैक को डेफिनेटली अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एक इसमें कुछ भी गिरने का डर नहीं रहता, कोई ऑयल वॉयल कुछ भी वैसे रहता नहीं है। सेकेंडली, एकदम बहुत लंबे समय तक एकदम अच्छा रहता है, उसकी क्रंचीनेस जल्दी से जाती नहीं है, और प्लस ये बहुत ही लाइट और एक बहुत ही यमी स्नैक है जो बच्चे इंजॉय करते हैं। तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, आई मेक श्योर कि मखाना तो मैं लूँ अपने साथ, ताकि बच्चों को जब रास्ते में भूख लगे तब वो आराम से खा सके। तो यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।